ఉబర్ రైడ్ కార్మికుడి ఫ్యామిలీతో ఒప్పుట గడిపారు రాహుల్ గాంధీ. తక్కువ జీతం ద్రవ్యోల్బణం వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయనే విషయాలను స్వయంగా తెలుసుకున్నారు. పెరిగిన ధరలతో గిగ్ కార్మికుల బతుకులు చిన్నాభిన్నమయ్యాయని చెప్పారు రాహుల్. దేశంలో క్యాబ్ డ్రైవర్లు, డెలివరీ ఏజెంట్ల వంటి గిగ్ వర్కర్ల సమస్యలను పరిశీలించారన్నారు. शादी होने के बाद इसी लाइन में आ गया. और कितने घंटे चलाते हो? सर इसका कोई वो नहीं है. कुछ भी हो सकता है. बारह बारह दो दो दिन हो जाते इसी में ही पड़ा रहता हूँ. पहले वही रेट 30 रुपए सीएनजी थी, तब भी गाड़ी यही रेट चलती थी. और आज 90-95 हो गए, वही रेट आज. टैक्सी वालों कोई वैल्यू नहीं करता है. जहाँ गाड़ी कोई नहीं जाती वहाँ ओला उबर जाती है. चाहे दंदल हो, तालाब हो, कितना भी पानी, कल यहाँ तक बोनट तक पानी था लेकिन कस्टमर उतरा नहीं. मुझे तो वहीं छोड़ो. 11-12 में बहुत बढ़िया काम चला. ड्राइवरों ने गाड़ियां बना ली थी, तब तो कंपनी खड़े होने के 10,000 रुपए देती थी. मतलब पहले हाँ, फंदा लगाया फिर हाँ, फंदा टाइट किया. हाँ, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है सर. आपने कब तक पढ़ाई की? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है. मैंने ITI किया है और यामा में जॉब किया था मैंने. जब मैंने अप्रेंटिस कर लिया तो यामा वालों ने निकाल दिया. यामा वालों ने? हाँ, क्यों निकाला? हाँ, कि भाई आपका ब्रेक हो गया. मैंने कि अब कहाँ जाऊँ, कि दूसरी कंपनी में ट्राई करो. तो फिर उससे मैं निकल के फिर मैंने गाड़ी का प्लान बनाया है. आपका पहला ओरिजिनल प्लान था कि मैं कंपनी में काम करूँ. लेकिन ITI करके आया, कंपनी में जॉब किया, फाइनल इंस्पेक्शन में था, गाड़ी टेस्टिंग का मेरा काम था. क्या क्या टेस्टिंग करते थे? ये स्कूटी, यामा की बाइक. तो फिर उन्होंने आपको फिर से क्यों नहीं लिया? क्लियर हो जाएगा ना, परमानेंट की स्थिति में आ जाओगे. तो कंपनी का रूल होता है परमानेंट नहीं करना. हाँ, परमानेंट नहीं करना है तो मतलब 6 महीने का ब्रेक. आज बताओ, मेरे तो भाग खुल गया. मेरा तो आपसे कोई ऐसा वो नहीं था कि आप अचानक मेरे पास, जबकि ये ड्यूटी 2 बार आई थी मेरे पास. अच्छा. हाँ, मैंने एक बार मेरी रेंटल मैं नहीं करूँगा, इतनी देर में और काम कर लूंगा, डबल हो जाएगा. 800 रुपये दिखा रहा था मेरे को, चार घंटे के 800 रुपये. आपसे लेगा 1500 रुपये, मेरे को 800 रुपये. अगर आपको नहीं लगता कि चुने हुए लोग अमीर होते जा रहे हैं और लार्ज और जो बबड़ा मैस है, अब 90% लोग हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं? बस वो वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है. राजस्थान में हम एक कानून लाए थे, हमारी जब सरकार थी. हाँ, आपकी सरकार थी. तो हम कानून लाए थे कि जो भी उबर चलाता है या डिलीवरी करता है, हर ट्रांजैक्शन में उसके लिए थोड़ा सा पैसा पेंशन के लिए कटेगा. तो आपने मान लो आपने राइड की, हर राइड के लिए कंपनी को थोड़ा सा पैसा आपके पेंशन के लिए अलग रखना पड़ेगा, जो आपको बाद में मिलेगा. बिल्कुल सर, इसके बारे में क्या लगता है? बहुत बढ़िया रहा यार, एटलीस्ट सिक्योरिटी तो आए ना, कि भैया थोड़ा हाँ, सा लास्ट में जाके अगर मिल जाएगा तो उससे कुछ राहत हो जाए. बिल्कुल. दो काम सरकार कर सके, जैसे हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार है, अगर हम वहाँ दो काम कर सकें तो क्या हो सकते हैं? एक तो पेंशन का आपने कहा, ठीक है, वो और क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सर सही किया जाए, रेट ठीक किया जाए. हाँ, रेट मतलब इनका पूरा वो निकाल के कैलकुलेशन करने के बाद इनका ये निकाल, बाकी में इनको कुछ बच रहा है कि वैसे ही रो रहे हैं. मतलब मिनिमम वेज होना है. हाँ, कम से कम. हाँ, कम से कम जिंदा तो बने रहे ये. जिसने गाड़ियां लेनी ना सर, किस्तें नहीं डाल पा रहे, ये कंडीशन है. नमस्कार, कैसे हैं आप? आपके पति के साथ हम गए उबर में, तो ये बता रहे थे आपके बारे में, तो मैंने कहा कि आपसे भी मिलते हैं. अच्छा. क्या लेंगे खाने के लिए? दो तीन चीज ले आओ. छोले भटूरे ले आइए, पापड़ी चाट ले आइए, आलू की टिक्की ले आइए. मिर्ची तो खाती हो ना? नहीं. आगरा पेपर दिया था टेट का, लेकिन वो लीक हो गया. उसके बाद मैं, कोई वैकेंसी नहीं आई. हाँ, इन्होंने बताया लीक होने के बाद पूरा, तो उसमें आपका पूरा पैसा जाया हो गया. हाँ. तो आप क्या सोचते हैं ये इनकी जो ड्राइवरी हो रही है इसके बारे में, ये आपको लगता है ये परमानेंट नहीं है? मतलब ये टेंपरेरी है? परमानेंट है, लेकिन डेवलपमेंट इतना कहाँ है भैया? मतलब वही के वही है, उतना ही है. मतलब खा लिया, उसके बाद में अगर बच्चे का फ्यूचर नहीं बना तो दिल्ली रहने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो घर था. कल से परेशान, सुबह जल्दी उठ के बोली कि सर से मिलने जाना है, जल्दी रेडी हो जाओ तुरंत सुबह. हम लोग अभी बोल रही है, फिर नहीं बोलेगी इतना. न्यूज पे देखती है? हाँ, न्यूज पे देखती. अब तो बिल्कुल शर्मा रही हो. मेरे साथ थोड़ी शर्माना है तुम्हें? आपका नाम लेके बोल रही थी, आपका नाम ले रही थी. मैंने ये बोल दिया ना सर, न्यूज़ देखते हैं ना हम लोग, तो न्यूज़ में देखते हैं. बड़ी होके क्या करोगी? पढ़ाई, बड़ी होके पढ़ाई थोड़ी करोगी, पढ़ाई तो छोटी होगी तब करोगी. पढ़ाई करने के बाद क्या होगा? किस प्रकार के डॉक्टर? दिल के, दिमाग के, हड्डी दिमाग के? दिमाग के. और आपका क्या प्लान है?
कब से? कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है? मैथ। और अच्छा कौन सा लगता है? बाकी सब? आइसक्रीम अच्छी लगती है? सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा फास्ट फूड। हाँ, अच्छा। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें आईएएस में जाने के लिए।